क्या आपको भी ऐसे पैटर्न्स एंड सिंबल समझने में दिक्कत हो रही है? तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए मैं लेकर आई हूँ एक नया वीडियो, जिसमें हम क्रोशेट के एब्रिविएशंस एंड सिंबल्स पढ़ना और उसे कैसे बनाते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो स्वागत है मेरे और आपके इस मोना क्रोशेट चैनल में, जिसमें हम कुछ नया क्रोशेट आइडियाज सीखते हैं और कभी कभी मैं इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डालती रहती हूँ, जिसे और लोगों को मोटिवेशन मिलती रहती है, जिसे और सीखने का उन्हें मौका मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ एब्रिविएशन एंड सिंबल्स हैं जिन्हें US क्रोशेट टर्मिनोलॉजी में यूज़ किया जाता है, एंड UK की अलग है और US की अलग है। तो इन एब्रिविएशन और सिंबल्स, ये सिंबल्स हैं, ये एब्रिविएशन जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जो मैं अपने वीडियोस में लिखती भी हूँ, आप देख ही सकते हैं। तो जिन्हें नहीं समझ में आता वो यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अपनी एक अलग से डायरी बना के आप इन्हें नोट डाउन कीजिए, जिससे कि आपको हमेशा याद रहे। अदरवाइज़ अगर आप किसी और की भी वीडियोस देखते हैं तो उसमें ये काफ़ी यूज़ होता है। और आप अगर किसी की बुक भी, जो पब्लिशर्स होते हैं क्रोशिया डिज़ाइनर्स के होते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं अपनी बुक में, जो पब्लिश करते हैं डिज़ाइंस पब्लिश करते हैं, तो वो लोग भी ऐसे ही यूज़ करते हैं। आगे और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो और नए नए एब्रिविएशन सिंबल्स मैं बताती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देरी ना करते हुए। बस आपको ये आना चाहिए, ये इस वीडियो में मुझे आपको बताना था। तो चलिए, ये जो सिंबल है ये चेन का है, तो जिसमें हम शॉर्ट फॉर्म में मैं CH कभी कभी लिखती हूँ, आपने देखा होगा। डॉट जो है वो है स्लिप स्टिच का, जिससे SL और ST स्टिच का जो रहेगा हमारा एब्रिविएशन वो रहेगा ST, और स्लिप का SL रहेगा। तो स्लिप स्टिच किसे कहते हैं वो भी मैं बताते जाऊंगी, और चेन किसे कहते हैं वो भी मैं बताते जाऊंगी। तो अगर आपको आता है तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं तो ये उनके लिए जिन्होंने अभी स्टार्ट किया ये वीडियो देखना। तो चलिए हम देखते हैं कि चेन किसे कहते हैं, स्लिप स्टिच किसे कहते हैं। हमेशा चेन बनाने के लिए आप उसको ऐसे राउंड कीजिए, हमेशा आपको चेन बनाने के लिए ऐसे आपको राउंड करना है, ओके, ऐसे करके ऐसे क्रॉस करना है, ये हो गया, ऐसे क्रॉस करना है एक्स के फॉर्म पैटर्न में ऐसे, और इसको क्रोशिया से ऐसे लेकर और ऐसे आपको ये ऐसे आपको ये होल में से आपको खींच लेना है, ठीक है। और ये बन गया, ये तो यहीं से स्टार्ट होती है, ये ऐसे जो रहेगी आपको ये चेन कहलाती है। तो जिन्हें नहीं पता वो देख लीजिए, इसे कहते हैं चेन और इसे कहते हैं स्लिप स्टिच, जो लास्ट में हम जब भी ये जो राउंड है हमारा, हम जब भी इसको बंद करते हैं, हमारे सर्कल को जब भी हम बंद करते हैं तो इसको कहते हैं स्लिप स्टिच, जो मैंने आपको ये बताया स्लिप स्टिच किसे कहते हैं, ओके। अभी हम यहाँ पर प्लस और जो क्रॉस का साइन देख रहे हैं वो हम यूज़ करते हैं SC सिंगल क्रोशिया स्टिच के लिए, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में SC। तो सिंगल क्रोशिया कैसे बनता है वो बिगिनर्स देख लीजिए, और जिन्हें आता है वो स्किप कर सकते हैं। तो हमें हमेशा राउंड लेने के लिए एक चेन लेना ही पड़ता है, ये आप जान लीजिए। और सिंगल क्रोशिया किसे कहते हैं, तो ये जो ऐसे हमने इसको क्रोशिया में फंसाया, पहले हमने इंसर्ट किया क्रोशिया होल में सर्कल में, और ऐसे धागा लेके जब ये दो ऐसे लूप आ जाते हैं तो इन्हें क्या करना है, धागा लेके ऐसे इसको इन दोनों में से निकालना है। तो ये हो गया है सिंगल क्रोशिया। तो आप साइन देख रहे होंगे ये किस टाइप का बन रहा है, चलिए एक और मैं आपको बताती हूँ।
जिन्हें आता है वो स्किप कर सकते हैं, नो इशू, और जिन्हें नहीं आता है, जो पहली बार देख रहे हैं, वो ज़रूर से इसको पॉज कर करके देखिए। तो ये हो गया, ऐसे आपका सिंगल क्रोशिया बनेगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे हाफ डबल क्रोशिया, जिसे HDC, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे हाफ डबल क्रोशिया जिसे बोलते हैं HDC, जिसे हम T के सिंबल में ऐसे लिखते हैं। तो HDC किसे कहते हैं? इसे बनाने के लिए आपको मेरे, वैसे मेरे चैनल में काफ़ी मैंने हाफ डबल क्रोशिया से रिलेटेड काफ़ी प्रोजेक्ट बनाए हैं, पर्स हैं छोटे छोटे, आप जाके देख सकते हैं, और ये स्टिच भी मैंने सिखाई है, बाकी आप सर्कल में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सर्कल बनाया है और ऐसे दो चेन ले लेंगे, ओके, ऐसे। और आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो धागे को ऐसे क्रोशिया में ऐसे राउंड लेना है, फिर इसको अंदर डाल के ऐसे इंसर्ट करके धागा ले लेना है। अब यहाँ पर लूप बनेंगे 1, 2, 3, पहले सिंगल क्रोशिया में दो थे, अभी यहाँ हाफ डबल क्रोशिया में 1, 2, 3 लूप बने हो, और इसको एक ही में ही आपको खींच लेना है, ओके। फिर से करेंगे, यहाँ पर हमने क्रोशिया में इस धागे को फंसाया है, यहाँ सर्कल में डाल के इसको फिर से फंसा के, और ऐसे हमने इसको बाहर ले लिया है, और तीनों में से हमको लेना है, और ये हो गया हाफ डबल क्रोशिया। तो हाफ डबल क्रोशिया में ये देखिए आप 1, 2, 3, आपको ये तीनों लूप एक साथ एक ही धागे में पिरोना है। तो चलिए नेक्स्ट सिंबल देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट सिंबल है हमारा डबल क्रोशिया, जिसको DC लिखते हैं, और इसका साइन है, इसी साइन को ही हमको कट लगाना है, ये। तो ये जो है डबल क्रोशिया का साइन है। अभी डबल क्रोशिया में हमें क्या करना है, दो चेन लेंगे ऐसे, ओके। अब इसमें ये क्रोशिया में हमें धागा फंसाना है, और अंदर जाके फिर से धागा फंसा के ये तीन हमारे जो पहले आए थे हाफ डबल क्रोशिया में वैसे ही करके, बट आपको इसमें तीनों में से नहीं निकालना है, पहले आपको पहले दो जो हैं उनमें से निकालना है, जिसमें आपको दो और मिल जाएंगे लूप, और फिर से आपको दो लूप में से निकालना है धागा। तो ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो है वो है ट्रेबल क्रोशिया स्टिच, जिसको हम TR से रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया है, पहले जो हमारा था वो डबल क्रोशिया जिसमें एक छोटा सा कट लगा है, और अभी हमारा ट्रिबल क्रोशिया है जिसमें दो कट लगे हैं। तो ट्रिबल क्रोशिया कैसे बना जाता है चलिए देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, तीन चेन लेनी है ऐसे, और एक बार राउंड लेके दूसरा राउंड भी लेना है, जिसमें हमको तीन लूप मिल जाते हैं, और फिर सर्कल में अंदर डाल के ऐसे एक और हम लूप ले लेंगे। तो 1, 2, 3, 4 हो गए, जिसे हम ट्रेबल क्रोशिया बोलेंगे, डबल की जगह ये ट्रेबल हो गया, ट्रेबल यानी तीन। तो इसको हमें तीन बार, ये एक बार लिया दो में से, फिर एक और बार लिया दो में से, फिर एक और बार लिया ये दो लास्ट के, तो 1, 2, 3 तीन बार हमें ये लूप में से क्रोशिया को लेना है। फिर से बताती हूँ, ये ऐसे ले लिया है हमने, ठीक है, ये ऐसे हमारे चार लूप हो गए, फिर ये हो गया एक बार, ये लिया दो बार, ये लिया तीन बार, ठीक है, ये हो गया ट्रिबल क्रोशिया। नेक्स्ट हमारा साइन आता है डबल ट्रिबल क्रोशिया स्टिच, तो जिसे हम बोलते हैं DTR, TR के पहले हमें D लगाना है डबल, तो डबल ट्रिबल क्रोशिया। तो इसे हम करेंगे 1, 2, 3 साइन से रिप्रेजेंट, जैसे हमने T बनाया है उसी में ही पहले एक तो डबल, इसी में हम दो बनाएंगे तो ट्रिबल, इसी में हम तीन बनाएंगे तो डबल ट्रिबल क्रोशिया हो जाएगा। तो चलिए हम इसे सीख लेते हैं। एक
दो तीन चार, चार हो गया पहले और फिर अभी पाँच। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे तीन आप इसमें देख रहे होंगे लाइन, तो उसमें आपको तीन लाइन बनानी है और फिर आपको सर्कल में से एक और ये जो लूप है वो ले लेना है। तो एक दो तीन चार पाँच, अभी इसको हम एक बार लिया हमने लूप में से, फिर ये हो गया दो बार लिया, फिर ये तीन बार लिया और ये चार बार लिया, ठीक है। तो एक दो तीन चार, तो फोर टाइम हमें ये मिल गया है। तो ये हो गया फिर से एक बार दो बार और तीन बार आपको ये लूप ले लेना है, फिर आपको सर्कल में से एक और लूप लेना है। तो इसको एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, डबल हो गया और ये डबल ट्रिपल क्रोशेट बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया, तो इसी से आप काफ़ी अच्छे पेटल्स बना सकते हैं सर्कल में ही कर करके। आपको एक और वीडियो हम जब भी बनाएंगे, और वैसे भी मेरे लास्ट वीडियो में आप पिछले वीडियो जाके जितने भी हैं देख सकते हैं फ्लावर वाले, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बताई है, उसे भी आप जाके देखिए चैनल में। और यहीं पर इस वीडियो को हम पॉज करते हैं, यहीं पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर कुछ अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें सीखेंगे। और आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए जो नए व्यूअर्स हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यही पॉज करते हैं, और ये ज़रूरी बात इसलिए है कि आपको ये सारे एब्रिविएशन और ये सिंबल्स पहचानना आना चाहिए, ताकि हम जब भी किसी नए पब्लिशर की या जब भी अच्छे नए डिज़ाइनर्स जो होते हैं क्रोशिया के, उन्हें अगर हमें सीखना है तो उनके ये एब्रिविएशन हमें आना चाहिए, और जब भी हम नए डिज़ाइंस क्रिएट करें तो हमें ये लिखना आना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ, थैंक यू, आपने ये वीडियो लाइक किया, शेयर किया, एंड जो नए हैं वो सब्सक्राइब किए, थैंक यू, एंड टिल देन बाय बाय।